राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की। राज्यपाल ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रशासन ने पुजारी के परिजनों से अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध किया। करौली के SDM ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि पुजारी बाबूलाल के परिजनों ने चौथी डिमांड भी सामने रखी है। हम सीनियर अफसरों के जरिए सरकार को उनकी मांग के बारे में बताएंगे। हम परिजनों से अपील करते हैं कि वे दह संस्कार करें क्योंकि सबको रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं। पुजारी के रिश्तेदार ललित ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम दह संस्कार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिले। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आरोपियों का समर्थन करने वाले पटवारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम सुरक्षा चाहते हैं। बता दें कि राजस्थान के करौली में दबंगों ने पुजारी के ऊपर पहले पेट्रोल छिड़का फिर आग लगा दी। जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई। इसके बाद से राजस्थान की सियासत गर्म है। बहरहाल राजस्थान पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना भी कर दिया। परिवार की मांग है कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और उनके एक बच्चे को नौकरी दी जाए। वहीं जयपुर और करौली जिले में पुजारियों और ब्राह्मण समाज इस घटना से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज, पुजारी संघ, बजरंग दल, BJP कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर एक्शन की मांग की थी। उसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। अरे बाबूलाल जी, बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ ये लड़ा था मालूम। हाँ बोलो बात करो। हाँ प्यारी खिलाओ आवाज़ से पहले यहाँ से बात कर लियो साहब आए थे। आपको बताओ। ये तो हम पेट्रोल डाले ना, जो कौन कौन सा वो आज छोरा बना और कौन कौन सा भी बताओ हम। अरे आपका लाश। ये लाश है। के अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में, देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे।